स्वागत है आपका एचवाईडी टीवी के प्राइम टाइम में, मैं हूं फरहाद। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज से खुल गए। बच्चों ने पहले ही दिन जोश से स्कूल में दर्ज की उपस्थिति। तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पीकर पोचारम को भेजा नोटिस। टीआरएस में शामिल कांग्रेस के विधायकों और एमएलसी को भी कारण बजाओ नोटिस जारी। 21 जून को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का होगा उद्घाटन। जगनमोहन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शरीक। मुख्यमंत्री केसीआर की जेडपीटीसी और एमपीटीसी से मुलाकात। कहा, गांव में बसता है असली तेलंगाना। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। पत्रकार पर सादी वर्दी में जीआरपी के जवानों ने की पिटाई। और अब समाचार विस्तार से। गर्मी से राहत के लिए 1 जून के बजाय 12 जून से स्कूल खोलने के तेलंगाना सरकार के आदेशों के बाद तेलंगाना के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आज फिर से खोला गया है। स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए 237 कार्य दिवस होंगे। स्कूल का अंतिम कार्य दिवस 23 अप्रैल 2020 है। ये याद किया जा सकता है कि स्कूलों को 1 जून को फिर से खोला जाना था, हालांकि विभिन्न अनुरोध के बाद सरकार ने 12 जून की तारीख तय की थी। मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल के शैक्षणिक कैलेंडर को भी जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हाई स्कूलों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:45 तक कक्षाएं होंगी। गर्मियों की छुट्टियां 24 अप्रैल से 11 जून 2020 तक शुरू की जाएंगी। आज स्कूल खुलने के साथ ही छोटे छोटे बच्चे कंधों पर स्कूल बैग लटकाए स्कूल जाते हुए नजर आए। हालांकि पहले दिन बच्चों की बहुत कम संख्या स्कूल में दिखाई थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस में शामिल हुए कांग्रेस के विधायकों और एमएलसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में कांग्रेस के विधायक और एमएलसी के टीआरएस में शामिल होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के भट्टी विक्रमारक, उत्तम कुमार रेड्डी और शब्बीर अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सत्ता पक्ष टीआरएस की ओर से कांग्रेस के सीएलपी को टीआरएस में विलय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 10 विधायक के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने विधायक सुधीर रेड्डी, लिंगैया हरिप्रिया, उपेंद्र रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, रेगा कांता राव, आनम सक्कू, हर्षवर्धन वनम्मा, वेंकटेश्वर राव और जुजुला सुरेंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर इस संबंध में तेलंगाना की टीआरएस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केसीआर खबरदार खबरदार के जोरदार नारे भी लगाए। बाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। KCR
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस महीने की 21 तारीख को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का फैसला किया है। उन्होंने एपी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया है। सीएम जगनमोहन रेड्डी को निमंत्रण देने के लिए जल्द ही वो विजयवाड़ा जाएंगे। 18 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई करके तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के अनुसार चंद्रशेखर राव अपने आंध्र प्रदेश समक्ष YS जगन मोहन रेड्डी को आमंत्रित करने के लिए शीघ्र ही विजयवाड़ा जा सकते हैं। मुख्यमंत्री KCR नवनिर्वाचित जिला परिषद चेयरपर्सन व वाइस चेयरपर्सन से प्रगति भवन में मिले। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी गांवों में हर जगह गंदगी फैली है और हमें मिलकर हमारे गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि असली तेलंगाना गांव में ही बसता है। गांवों की अच्छी स्वच्छ बनाने से ही हमारा राज्य सुंदर बनेगा। उन्होंने सभी जिला परिषद के चेयरपर्सन आदि से कहा है कि आप सब पढ़े लिखे हैं और ये सारी बातें समझते हैं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये बातें सबको समझाएं। साथ ही आप सबको ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि आप अपने क्षेत्र को सबसे सुंदर व स्वच्छ बनाएंगे। आप सबके ऐसा करने से सारा राज्य सुंदर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के MLC जीवन रेड्डी ने कहा है कि KCR की सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। TRS सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में पूरी तरह से नाकाम रही है। కంటెస్టెంట్ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ సిర్పూర్ కాగజ్ గంట ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుతో మానవ వనరుల వృద్ధికి ప్రధానమైనటువంటి విద్యా ప్రమాణాలను పెంపొందించే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని చెప్పేసి భావిస్తే, రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో అటు విద్యా హక్కు చట్టం అమలు చేయలేకపోవటమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో చేసిన ప్రధానమైన వాగ్దానం KG-PG వరకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో ఉచిత నిర్బంధ విద్యా బోధన। BJP और तृणमूल के बीच मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ BJP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने BJP कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया है। पुलिस ने BJP कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बता दें कि BJP के कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। जब भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया तो बंगाल पुलिस ने BJP कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया। अचानक वाटर कैनन का प्रयोग होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे।
बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र और सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ता राज्य में हिंसा भड़काने और उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ममता ने यह भी कहा था कि भाजपा उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो देश में इकलौती हैं जो उनका विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। लगता है उत्तर प्रदेश में कानून का नाम व निशान बाकी नहीं रह गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी को लेकर एक पत्रकार को जेल भेजा गया तो आज ऐसी घटनाओं में हद ही हो गई है। अब योगी सरकार के पुलिस वालों ने ही एक पत्रकार को बेरहमी से पीट दिया है। यह घटना यूपी के शामली में घटी है। यहां पटरी से उतरी मालगाड़ी की घटना कवर करने गए पत्रकार पर सादी वर्दी में जीआरपी के जवान कहर बनकर टूटे। मौके पर ही लात घूंसों से पत्रकार की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। यहां भी उसके साथ बदसुलूकी और मारपीट की गई है। पत्रकार की कथित शिकायत के मुताबिक उसे हवालात में पेशाब भी पिलाया गया। पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अमानवीय कृत्य किया है। सोशल मीडिया पर पत्रकार की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्राइम टाइम में आज बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। देखते रहिए HYD TV।